स्टार्ट। महोदय, हर युग का एक मुख्य स्वर होता है। आधुनिक युग में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का स्वर हमेशा मुखर है। आज जिस वैज्ञानिक युग में हम रह रहे हैं, 17वीं शताब्दी के बाद उसके निर्माण में सबसे अधिक योगदान यूरोपीय देशों का है। यह बात अलग है कि इससे पहले भारत, चीन और अरब आदि एशियाई देशों में विज्ञान के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की थीं और यूरोप के देश इन उपलब्धियों से लगातार लाभ उठाते रहे। उल्लेखनीय है कि जब एशियाई देशों ने वैज्ञानिक प्रगति की थी तो विज्ञान व्यवसाय नहीं था, वरन उसे ज्ञान की ही एक धारा माना जाता है। लेकिन आधुनिक युग में विज्ञान हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और कोई भी देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी न केवल शासन की भाषा थी बल्कि ज्ञान, विज्ञान की व शिक्षित व संपन्न समाज की भी भाषा थी। लेकिन यही वह समय था जब अनेक संतों, सुधारकों, मनीषियों और नेताओं ने अपने विचारों के प्रचार व प्रसार के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। अपनी दूरदर्शिता के कारण उन्होंने ऐसी भाषा को अपनी भावधारा के प्रचार का साधन बनाया जो सारे देश में बोली और समझी जाती थी। उल्लेखनीय है कि हिंदी को देश की संपर्क भाषा और ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में अपनाने का समर्थन करने वालों में अधिकांश अहिंदी भाषी थे। स्वतंत्रता संग्राम की इसी पृष्ठभूमि में भारत के स्वतंत्र होते ही हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने बड़ी सूझबूझ के साथ संविधान में देश की 15 भाषाओं को शामिल किया और हिंदी को केंद्र की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। इससे स्पष्ट है कि देश का शासन देश की भाषाओं में ही चलाए जाने के संबंध में नीति निर्धारित कर दी गई। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों के लोग यहाँ सदा से मिलजुल कर रहते आए हैं और सदियों से हमारी यह मिली जुली संस्कृति इस देश को एक सूत्र में बांधे हुए है। इसी एकता को मजबूत करने के लिए इस महान संस्कृति की विरासत को बनाए रखने के लिए ही संविधान में सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर जोर दिया गया है। संसार की दूसरी भाषाओं की तरह हमारी भाषा के साहित्य में भी पद्य का प्रादुर्भाव गद्य के बहुत पहले हुआ है। पद्य की
इस प्राचीनता के अनेक कारण हैं। स्टॉप।